हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्टापेड मास्टर सचिन पे। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको एडिटिंग की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि हमें शुरू से एडिटिंग बताएं, चूँकि बहुत से ऐसे ऐसे नए सब्सक्राइबर हैं जिन्हें इस मोबाइल ऑक्टापेड के ड्रम मशीन के बारे में पता नहीं है। ठीक है, जिनको एडिटिंग करने नहीं आती है। ठीक है, तो ये वीडियो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इसमें मैं पूरी डिटेल्स में बताऊँगा। ठीक है, कि इस ड्रम मशीन में आपको किस तरह से पैच एडिट करनी है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको अब एडिटिंग बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इसका इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे आपको एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, तो जो भी परमिशन मांगेंगे यहाँ पर परमिशन दे देना है, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और जब आप उसको बजाइएगा तो आपको इस तरह से इसमें पैच मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको साउंड इसमें इतने सारे आपको इसमें जो है सो इसका बना बनाया किट आपको मिलेगा। लेकिन ये जो है सो आपका वेस्टर्न किट है, आपका इंडियन किट जैसे हो गया जो हम जनरली अपने प्रोग्राम में बजाते हैं, तो उस तरह से जो हम चाहते हैं मेरे अनुसार इसमें जो हमको किट है वो नहीं मिल पाती है। तो चलिए आपको यहाँ पे पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें कि इसके इंटरफेस में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वहाँ पर इस सब में क्या क्या इसमें आपको फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो आपको 8 खांचे मिल जाते हैं जिस तरह से आपको ओरिजिनल ऑक्टापेड में रहते हैं। तो यहाँ पे आप 8ों पे 8 प्रकार की इसमें वेव टोन या फिर MP3 टोन इसमें आप लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे साइड में आपको जो ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो है सो आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाएगा। जैसे कि यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो नीचे से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, हालांकि मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको सेटिंग्स यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी, और फिर चलते हैं यहाँ पे ड्रम मशीन, ये बड़े अक्षर में आपको ड्रम मशीन लिखी हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आपको इस ड्रम किट के जो कि इसमें ये एप्लीकेशन का खुद जो अपना ड्रम किट है उसका आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर हम वाइब्रेटो, उसके बाद टर्मोला, रिवर, फ्लेंजर, चौरस, इको, तो यहाँ पर हम आपको एक बार सुना देते हैं इफेक्ट यूज करके। चलिए अगर हम बिना इफेक्ट के बजाते हैं तो इस तरह से बजेगी। ठीक है, अब इसी में देखिए, हम अगर हम इफेक्ट यूज करते हैं तो यहाँ पे हम ड्रम मशीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इको पे सेलेक्ट करते हैं, तो अब देखिए इसका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। आप इसको एक बार मतलब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिले करके आवाज आएगी। इस तरह से यहाँ पे तो ये हो गई आपकी इफेक्ट, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि ये जो इफेक्ट है सिर्फ इसी के अपने ड्रम किट में काम करेगी, जबकि अगर आप पैच बनाते हैं तो उसके लिए आपको अंदर से इफेक्ट डालनी होगी। तो चलिए, और यहाँ पे जो आपको सिंपल सा ये जो है यहाँ पे ये जो राउंड करके गोल जैसा है साइन, ये आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए हो गया कि जैसे आप कोई भी पैच इस पर प्ले करते हैं या जिस तरह से आप हैंड इस पर मतलब बजाइएगा तो उस तरह की पैटर्न इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग की हो गई, जैसे कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग की बटन हो गई, और उसके साइड में बगल में है ये रिकॉर्ड हुए पैटर्न को प्ले करने के लिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पे बजाए थोड़ा सा, उस पर अगर आप क्लिक करते फिर ये प्ले हो जाएगी। ठीक है, और ये रिपीट होते रहती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हो गया आपको टाइमिंग शो करते रहता है कि आप कितने देर पैटर्न को रिकॉर्ड किए। तो उसके बाद हम चलते हैं ऊपर वाले आइकन पर जो यहाँ पर आपको स्क्वायर करके दिख रहा है। ठीक है, ये जो स्क्वायर करके दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सो 12 ड्रम किट मिल जाते हैं। ठीक है, और ये 12 जो ड्रम किट है ये इसके अपने ड्रम किट है, जैसे यहाँ पे TR-808 ड्रम किट है, TR-909, तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये 909 का ड्रम किट यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो देखिए, तो इस तरह से इसमें इसका मतलब ये साउंड है ये, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके यहाँ पे बहुत सारे ड्रम किट मिल जाएंगे, यानी आपको 12 ड्रम किट है तो 12 ड्रम किट में आपको 8 टोन यानी 96 टोन आपको अवेलेबल है इस एप्लीकेशन के अंदर। आप चाहें अगर पैच बनाने के लिए तो आप इस 96 टोन से भी बना सकते हैं पैच, और नहीं तो आप बाहर से भी इसमें लूप को लोड कर सकते हैं या कोई वेब टोन को लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 909 किट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, इसको भी एक बार बजा के दिखा देते हैं।
यहाँ पे इसको हम बजा सकते हैं, मतलब इसमें और भी आप बारी बारी से इसमें ट्राई कर लीजिएगा जो आपको पसंद पड़े। ये इसका अपना ड्रम किट है। उसके बाद चलते हैं हम, यहाँ पे आपको साइड में कुछ पेंसिल की तरह आपको आइकन दिया होगा, ठीक है। जरा सदल यही सबसे कारगर चीज़ है और यही सबसे मेन चीज़ है एडिट करने के लिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 इस तरह से आपको 8 खांचे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि इस जैसे कि हम इस पे हम किसी टोन को लोड करना चाहते हैं तो हम सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे, और फिर दूसरे पे लोड करना चाहते हैं तो दूसरे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो एक खांचे की फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे किक, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप इधर से भी कॉन्टेंट कर सकते हैं, उधर से भी कॉन्टेंट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे किक पे बताते हैं। इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जो भी आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जो भी सेटिंग्स वगैरह ये सब चीज़ की, ठीक है, वो सेम इंटरफेस आपको अगर आप दूसरे पे दूसरे खांचे में भी क्लिक करते हैं तो वो सारे चीज़ आपको सेम दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि हम इस पर 1 पे क्लिक किए तो वॉल्यूम, पैनिंग, ट्यूनिंग, ऑफ लेवल, इको डिले, नेम, साउंड, इफेक्ट 1, इफेक्ट 2 और सिंपल, इस तरह की आपको सारे यहाँ पे दिखाई दिए ऑप्शन। अगर आप इस 8वें पैड में किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो आपको सेम वही आपको फंक्शंस, वही सेटिंग्स, वही सारी चीज़ें आपको इंटरफेस पे दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं एक में एडिटिंग करने के लिए आपको बता देता हूँ उसके मतलब क्या होते हैं, इस चीज़ के करने से इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उससे आप जान सकते हैं, आप 8वें में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले एक वाले 1 वाले किक पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं कि इन सारे चीज़ों के मीनिंग्स और इन सब के अर्थ क्या हैं और इन सब से क्या इफ़ेक्ट आता है आपके साउंड में, ठीक है। तो वॉल्यूम, जैसे कि हम वॉल्यूम जानते हैं, ठीक है, वॉल्यूम हम जानते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम इससे ये होगा कि आप किसी भी टोन की आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि 100% फिक्स वॉल्यूम रहता है, क्योंकि आप जितना टोन रहेगा, टोन का जो आवाज़ रहता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पर फ्रेंड दिखाई नहीं सुनाई देगा, ठीक है, थोड़ा मैं भी मिस्टेक कर जाता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम का सिंपल सा अर्थ यही है कि आप आवाज़ जो है इसको मतलब उसका लेवल कम कर सकते हैं। और पैनिंग, पैनिंग यहाँ पे ये हो गया कि पैनिंग अगर आप इसको जैसे कि R प्लस, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको आगे की ओर स्लाइड करते हैं तो 100+R लिखा रहा है, दैट मीन्स ये हो गया कि आपको राइट के तरफ ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है और लेफ़्ट के तरफ कम वॉल्यूम। यानी पैनिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे आप लेफ़्ट जो आप ईयरफोन यूज करते हैं तो वो लेफ़्ट और राइट दो, मतलब दो टाइप की होती है साउंड क्वालिटी जाती है उसमें, एक लेफ़्ट में जाती है, एक राइट में जाती है। तो सेंटर पैनिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी लूप का साउंड जो है या किसी भी टोन का साउंड लेफ़्ट राइट आप कर सकते हैं, कि आप लेफ़्ट ईयर में ज़्यादा सुनना चाहते हैं या फिर राइट ईयर में, तो वो आप यहाँ पैनिंग से कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहूँगा कि ये सेंटर ही में रहे तो बढ़िया रहता है, चूँकि प्रोग्राम वगैरह में वहाँ आपको मोनो जैक ही मिलेगा, लेफ़्ट राइट जैक नहीं मिल पाती है, बहुत कम ही मिलती है रियर केस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलते हैं ट्यूनिंग। ये ट्यूनिंग क्या होता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ट्यूनिंग, ट्यूनिंग ये हुआ कि आप किसी भी टोन का जो है उसका पिच कम बेस कर, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये टोन डाउनलोड, ये टोन लोड कर रखा है, ठीक है। अब हम पिच को जो है सो हम इसको पिच को, सॉरी फ्रेंड बैक हो गया, अब पिच को हम इसको घटाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माइनस में जा रही है, देखिए आवाज़ मोटे हो जा रही है, इतना माइनस में जाएगी आवाज़ इतनी मोटी हो गई। और इसको जैसे हम जीरो कर देते हैं तो जो टोन जैसे आप लोड किए थे उसका आवाज़ साउंड आ जाता है, ठीक है। फिर हम इस ट्यूनिंग को बढ़ा देंगे तो ये आवाज़ और भी मतलब पतली हो जाएगी। तो आप ट्यूनिंग का अर्थ समझ गए कि आप इससे किसी का पिच घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम ऑफ लेवल पे। ऑफ लेवल ये होता है कि आप किसी भी टोन का जो टाइमिंग है कितना रख सकते हैं। अगर आप कोई भी टोन चाहते हैं कि तुरंत बंद हो जाए, ज़्यादा इस टाइम तक नहीं बजे, बहुत सारे टोन ऐसे होते हैं, यानी इसको ये मानिए तो अगर आप 20x या फिर 20 में आप एडिट करते हैं तो वहाँ पे डीके जो होता है वो डीके का काम यहाँ पे ऑफ लेवल जो करता है, ठीक है। वहाँ ये होता है कि आप डीके को मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं है, आप डीके को बढ़ा नहीं सकते, वो फिक्स होता है जो आपका टोन कराता है, भले हाँ उसको यहाँ पे घटा सकते हैं इस ऑफ लेवल के मदद से, ठीक है। तो ऑफ लेवल ये हो गया कि आप किसी भी लूप को कितना देर तक आप प्ले करके रखना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पे 100% ही हम लोग रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं इको डिले। इको डिले तभी काम करेगा जब यहाँ पे इफ़ेक्ट जो है आप इफ़ेक्ट यहाँ पे इको सेलेक्ट कीजिएगा, तभी यहाँ पे ये इको डिले काम करेगा। जैसे हम जैसे यहाँ पे देखिए अभी इफ़ेक्ट जो है इफ़ेक्ट 1 यहाँ पे नन है, ठीक है। अब हम इसको इको में कर देते हैं तो अब यहाँ पे इको है, यहाँ पे है MS है,
तो 500 एम एस से अब हम इसको घटाएंगे, देखिए ये थोड़ा इस तरह से ये हो गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं इको का, ठीक है। अब देखिए हम इसको 935 एम एस कर दिए तो इसका टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ गया। अब इसी को हम कम कर देते हैं तो इस तरह से यहाँ पे ये कम हो गया। तो ये तभी काम करता है इको डिले जब आपका यहाँ इफेक्ट वन जो है यहाँ पे इको सिलेक्ट रहता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नन कर दिए। और नेम, नेम का अर्थ ये हुआ कि जैसे कि हम पेड वन यहाँ पे इसका नाम नेम किक है, तो हम यहाँ पे चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, मेरा जो मन हो वो हम नेम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साउंड पे चलते हैं। साउंड पे हो गया यहाँ पे यूजर सैंपल। देखिए ये साउंड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ यूजर सैंपल पे, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर जो ड्रम किट है, इन सारे ड्रम किट यानी 96 टोन आपको यहाँ पे लोड करने की ऑप्शंस आ जाती है। यहाँ पे आप बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, आपको जो इसमें टोन अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। उस पर सिंपल सा क्लिक कीजिएगा तो वो लोड हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं इफ़ेक्ट पे। तो इफ़ेक्ट पे जैसे कि रिवर्ब हो गया, रिवर्ब में करते हैं तो मतलब एक उसका टाइमिंग वो रिवर्ब करके उस साउंड की आवाज़ आएगी। तो चलिए मैं एक बार आपको बजा के सुना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट हम रिवर्ब सेलेक्ट किए, देखिए रिवर्ब करके साउंड आ रही है। और हम जैसे कि रिवर्ब के बाद आपको मिल जाती है यहाँ पे इको, तो इको में कि जैसे कि हम यहाँ बताए थे कि इको यहाँ पे इको डिले यहाँ टाइमिंग पे काम करता है, ठीक है। बढ़ा देते हैं तो ये हो गया इको, यहाँ पे सिंपल सा इको का काम। उसके बाद फेलेंजर हुआ, ये जो है साउंड को थोड़ा मतलब पीच करके जो फेलेंजर इसको फ्रेश करके साउंड को निकालती है, इसको फ्लेंज कर देती है, ठीक है। फेलेंजर इस इफेक्ट का अर्थ हुआ। और चोरस जैसे कि आपको मतलब कोई भी लूप है उसको लेफ्ट राइट दोनों में आपको चोरस की तरह आवाज़ आएगी। जब आप ईयरफोन लगा के आप एडिट कीजिएगा तब आपको मतलब बेटर सुनाई देगी, ठीक है। तो चोरस का यही काम हुआ। बेसिकली हम यहाँ पे नन ही रखते हैं। और इफेक्ट टू में, इफेक्ट टू का ज़्यादा यूज नहीं होता है फ्रेंड, इसका बहुत ही कम यूज होता है, लगभग ना के बराबर, ठीक है। तो ये सब जब आप ड्रम सेट बजाएगा तो उस समय यूज किया जाता है, जैसे टर्मोला, वाइब्रेटो, टर्मोला एंड वाइब्रेटो, ये सब हो गया। जब आप ड्रम सेट बजाएगा तब उसमें आपको यूज किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम अब आते हैं यहाँ पे सैंपल पे, ठीक है। यहाँ पे सैंपल पे आपको 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं। ये चारों ऑप्शन में जैसे कि आप यहाँ पे कोई टोन लोड कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको मतलब जो भी टोन यहाँ लोड किए हैं तो ये प्ले वाली बटन दिख रही है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो टोन आपको प्ले हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपको माइक की तरह साइन दिख रहा है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप इसमें जैसे कि हम इस पर क्लिक कर दिए, फिर हम जो बोलेंगे जो यहाँ पे इसके मोबाइल के माइक में हम जो बोलेंगे इस पर क्लिक करने के साथ ही रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। और यहाँ जब हम जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर जब इसको प्ले कीजिएगा तो वही चीज़ इसमें प्ले होगी, ठीक है। और चलते हैं सिंपल सा यहाँ पर फिर फाइल। सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, चूँकि इस फाइल पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। ये आपको टोन को लोड करने के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें कि ड्रम सेट में हम कहाँ से टोन लोड करें, हम दूसरा इसमें हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे ये टोन चाटी का टोन यहाँ पे बज रहा है तो हम यहाँ चाहते हैं कि हम दूसरा टोन लगाएं, हम इसमें बेस लगाना चाहें, तो यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है इसमें अगर आप पेज सेव किए रहिएगा तो वो सारे ऑप्शन आएंगे। आपको सिंपल सा यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ फाइल वाले पे क्लिक कीजिएगा फिर स्टोरेज पे क्लिक कीजिएगा। तो स्टोरेज पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से इंडिकेट करेगा कि आपका स्टोरेज सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज के सारे फोल्डर यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप किस फोल्डर में आप टोन को रखे हैं, ठीक है फ्रेंड। और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि टोन जो है वो ज़्यादा अगर केबी का है तो सपोर्ट नहीं लेगा, वो लगभग 150 केबी के अंदर ही होना चाहिए टोन, ठीक है। 150 मतलब अप्रोक्स 150 तक चलेगी, मैंने भी उतना करेक्ट कैलकुलेट नहीं किया, बट 150 KB तक की इसमें टोन जो है लोड हो सकते हैं, 150 KB प्लस के भी, बट 200 से कम के ही लोड होंगे, ठीक है।
ये हो गई आपके टोन लोड करने की। अब ये जो है यहाँ पे डिलीट जैसा ऑप्शन दिख रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हम टोन हम लोड कर दें, अब हम चाहते हैं कि इसको हम हटा दें, इसको हम खाली रखें, ठीक है। तो सिंपल सा इस पर डिलीट वाले पे कीजिए, सिंपल सिंपल क्लियर लिखा गया। अब देखिए हम इस पर प्ले करेंगे तो इससे कुछ नहीं बजेगी, चूँकि यहाँ पर मैंने वो चीज़ डिलीट कर दिया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप दूसरे में भी करते हैं तो यहाँ पे उसी तरह से आपको एडिटिंग की फंक्शंस दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सेटिंग, जैसे इस पे हम सेटिंग कर दिए, लोड कर दिए, तो लोड कर देने के बाद जब यहाँ पे पिच वगैरह हम सारी चीज़ कर लेंगे तो यहाँ राइट वाली जो साइन दिख रही है इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे तो मेरा इस पैड की मतलब एडिटिंग की काम ख़त्म हो गई, ठीक है। वो मैंने सारा चीज़ इसमें एडिट कर दिया। और उसके बाद फिर हम पैड टू पे चलेंगे, फिर यहाँ पे उसी तरह से हमको एडिट कर देना है। यहाँ सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है, फिर स्टोरेज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से जो भी सैंपल हम चाहें इसमें लोड कर देंगे। और जैसे ही हम इस पर लोड करेंगे, यहाँ देखिए मेरे पास है जैसे नागपुरी पैच, तो यहाँ पर देखिए आपको 8 सैंपल दिख रहे हैं। इस पर हम इस पर लोड कर दिए, देखिए लोड हो गया। अब यहाँ से इसको प्ले करके हम चेक कर सकते हैं इसका जो हो गया पिच वगैरह हम, या फिर ट्यूनिंग जो भी है, सारा चीज़ में आप अपना एडिट करके उसके बाद फिर राइट पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे वो चीज़ सेव हो जाएगी। और लास्ट में आपको जब ए टू पेड में आप ये 1 2 3 4 5 6 आप 8 पेड में जब आप सारे चीज़ सारे टोन एडिट कर लीजिएगा, सारे टोन एडिट कर लेने के बाद आपको राइट वाले साइन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस राइट वाले साइन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी आप पैच इसमें एडिट कीजिएगा वो सारे चीज़ इसमें आपको एडिट किया हुआ हो जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं इसको फिर सेव कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए आप सिंपल सा यहाँ सेटिंग वाले जो ऑप्शन दिख रही है साइड में, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इंटरफेस है, इधर नहीं साइड में नहीं, आपको बाएँ साइड से 2 नंबर में यहाँ पर इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट आइटम टू सेव, तो यहाँ पे हम मशीन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए अगर आप एसडी कार्ड में सेव करना चाहते हैं तो स्टोर मतलब एसडी कार्ड नहीं, आप इसके इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं, ड्रम मशीन के इंटरनल स्टोरेज, अपने मोबाइल के डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्टोरेज पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप इसके ड्रम किट में ही सेव करना चाहते हैं, इसके ड्रम मशीन में ही एप्लीकेशन में ही सेव करना चाहते हैं तो स्टोरेज को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी नेम चाहें आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दिया, ठीक है। कुछ भी नाम लिख देने के बाद फिर यहाँ से राइट साइड पे क्लिक कर देना तो इस तरह से ये पैच सेव हो जाएगी। अब तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे बात हो गई कि ये पैच सेव हो गई। अब हम यहाँ से बैक कर देते हैं, बैक कर देते हैं या कट कर देते हैं। तो फिर हम फिर अगर आप फिर दूसरे पैच लोड करते हैं तो आपको वो पैच जो पहले बनाए थे वो पैच हट जाएगी, दूसरे पैच आ जाएगी। फिर आप चाहते हैं कि हम जो पैच सेव किए हुए हैं उस पैच को हम यहाँ कहाँ से लोड करें, कैसे लोड करें, तो आपको फिर से सिंपल सा सेटिंग पे क्लिक करना है। और सिंपल सा सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको बाएं साइड में देखिए फाइल का साइन दिख रहा है, ठीक है। इस फाइल के साइन पे क्लिक करना है और फिर आपको मशीन पे क्लिक करना है। और मशीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हम इस नेम से सेव किए थे जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इस नेम से यहाँ पे दिख रहा है। तो उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ लोड हो जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं कि हम सेटिंग पे क्लिक किए, फिर फाइल पे क्लिक किए, फिर हम मशीन पे क्लिक किए। अब यहाँ जो है हम जो पैच सेव किए हैं वो शो नहीं कर रही है, वो शो नहीं कर रही है क्योंकि मैंने अगर उस पैच को अगर आप मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में सेव किए होंगे तो आप सिंपल सा स्टोरेज पर क्लिक कीजिएगा। तो स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो अगर आप इसमें सेव किए होंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो भी पैच हैं वो आपको दिखने लगेंगे जो आपके इंटरनल स्टोरेज में हैं। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, मैंने एक पैच बना रखा था, ठीक है, बना के उसके बाद उसको सेव कर रखा है। तो ड्रम शेकर दिल क्या करे, ठीक है, तो मैंने ये पैच बना के सेव कर रखा है। तो उस तरह से यहाँ लोड हो गई। तो सिंपल सा आप लोड करने का यही तरीका है, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, ये फाइल वाले पर क्लिक कीजिए, मशीन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप स्टोरेज को सिलेक्ट नहीं किए रहिएगा तो इसके ड्रम किट में जो सेव किए हैं वो आपको पैच दिखाई देगी। अगर आप स्टोरेज पे सेव किए हैं तो आप स्टोरेज पे क्लिक करके तो आप देखिए कि आप किस फोल्डर में या डिवाइस के इंटरनल स्टोरेज में कहाँ सेव किए हैं तो वो आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम पैच को लोड कर लेते हैं, अब हम इसको, ठीक है। तो ये पैच मैंने बनाया था तो चलिए आपको एक बार बजा के सुना देता हूँ।
ठीक है, तो ये सिंपल सा बेसिक सा पैच है और बहुत ही आसान पैच है। इस पैच का एडिटिंग मैं दूंगा, ठीक है। मैं जब वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें मैं ये पैच आपको दूंगा। तो जहाँ पे एडिटिंग की यही फंक्शंस हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपको एडिटिंग के लिए टोन, ठीक है। तो टोन आपको, वैसे तो मैं जो भी पैच देता हूँ, पैच को डाउनलोड कीजिएगा, तो डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे टोन मिल जाएंगे, बट ये आपको एडिटिंग करने के फंक्शन हो गए। अब हम कहीं पे लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसका हमको पिच गिरा हुआ नज़र आ रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसका पिच हम बढ़ा दें। तो सिंपल सा इसका पिच बढ़ाना है, इस वाले एडिटिंग पे क्लिक कीजिए, इस स्नेयर वाले पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए प्ले करके, ये देखिए पिच। अब इसको हम बढ़ाना चाहते हैं पिच, तो ट्यूनिंग पे हम क्लिक करेंगे, हम ट्यूनिंग को बढ़ा देंगे। देखिए हम ट्यूनिंग को बढ़ा दिए, फिर से यहाँ बीच में क्लिक करते थे ये जीरो हो जाता है, इसको बढ़ा दिए। तो इसी तरह से ये सब एडिटिंग की फंक्शन हो गई। फिर हम इसको यहाँ से ये बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए, बढ़ा करके फिर हम राइट पे क्लिक कर दिए, फिर दोबारा राइट सर्कल पे हम क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे ये हो गया, देखिए पिच बढ़ा हुआ इसका। तो इस तरह से इसमें एडिटिंग की ये फंक्शन से इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एडिट करने के लिए भी बता दिया और सेव करने के लिए भी बता दिया कि आपको किस तरह से पैच सेव करनी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी त्रुटि हुई हो, ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपसे सॉरी चाहूँगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आए, आपको कहीं पर परेशानी हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।